राजधानी रायपुर में मुजगहन थाने में हुई घटना को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान सामने आया है। दरअसल इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने बयान में कहा कि थाने में तोड़फोड़ नहीं की गई, जो भी गुनहगार होगा उसे छूटेगा नहीं और तगड़ी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ, और सट्टा खिलाने वाले और अवैध रूप से शराब बेचने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के विकास के मार्ग पर आईईडी बिछे हुए हैं, ये किसी को नहीं पहचानते, न ग्रामीण को न जवान को, फोटो देखकर आपका दिल दहला जाएगा। उन्होंने कहा कि आईईडी बिछाने वालों से अपील है कि ऐसा ना करें। पूर्व गृह मंत्री के अपराध वाले बयान पर मंत्री शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि गाड़ी चल रही है, स्पीड से एक साथ थोड़ी ब्रेक मार देंगे, एक मूवमेंट होता है, 5 साल की गड़बड़ियां थी ना, उसको सुधारने में समय लगेगा। कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है, आप स्पष्ट देखें, उसमें बात रखी गई थी और जो भी गुनहगार होगा छूटेगा नहीं भैया, और तगड़ी कार्यवाहियां होंगी, नस बल तोड़ा जाएगा ये नशे का व्यापार करने वाले और सट्टा वट्टा वालों का, तो कोई संशय नहीं है। इस विषय पर मुझे अभी ध्यान दिलाया गया था, इस विषय पर जो कुछ हुआ है उसमें 4 आरोपी थे, एक के संदर्भ में पुलिस को ये भान हुआ कि इसमें कोई परेशानी इसके साथ नहीं है, उन के साथ वो आ गया था इसलिए उसको छोड़ा गया। मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं कि बस्तर के विकास के मार्ग पर आईडी बिछे हुए हैं, बस्तर के विकास के मार्ग पर आईडी बिछे हुए हैं, इनको दूर होना चाहिए। ये आईडी किसी को नहीं पहचानते, जानवरों को भी नहीं पहचानते हैं, सिविलियंस को भी नहीं पहचानते हैं और सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं पहचानते। जो कुछ हुआ है बहुत दुखद है। बकावंड क्षेत्र के रहने वाले मुन्ना भारती जी का कल आप फोटो देखेंगे, दिल दहल जाएगा आपका। ये क्या है भाई, सभी समाज का कोई विषय हो सकता है ऐसा? एकदम गलत है। गंगालूर क्षेत्र में जो बीजापुर में हुआ दुखद है, एक व्यक्ति उनकी मृत्यु हो गई और एक घायल है अभी।